subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां दिसो पे कुकिंग शो में सब खैर सा हुंदा। मज़ेदार रेसिपीज तां जे ला खणी ईंदा आहियूं, काफ़ी सारी वैरायटी तां जे पसंद जी ठाहिण सेखारी आहे, काफ़ी सारी शयूं पंहिंजी मर्ज़ी सां बि मां ठाहींदो आहियां जेकी नई वैरायटी हूंदी आहे। अॼु बि हिकु ज़बरदस्त रेसिपी ठाहियां पिया, मच्छी जो बोर ठाहियां पिया, हुन सां गॾु चांवरनि जी मानी ठाहियां पिया, जेको असांजो सिंधी ट्रेडिशनल आहे, हुन में ठहींदी आहे चांवरनि जी मानी ऐं मच्छी जो भाॼी ठाहियां पिया। थोरो डिफरेंट करे ठाहींदासीं, ॿ टे क़िस्म सां ठहंदियूं आहिनि त हिन में बि उहो ई हूंदो, मिक्स करे ॿ टे तरीक़नि खे हिकिड़ो ठाहियूं पिया। ऐं सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदो, स्क्रीन ते नंबर हले पियो, का बि फरमाइश करिणी हुजे, कुझु बि पुछिणो हुजे पुछी सघो था। एनएक्स असां सां गॾु आहे, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन ऐं बेकिंग ओवन सभु मार्केट में अवेलेबल आहे, तव्हां वठी सघो था। ऐं मज़ेदार हीअ रेसिपी सुभाणे 12 वॻे रिपीट में ॾिसिजो। आज की जो हम रेसिपी बना रहे बहुत ही डिफरेंट है, और मछली का सालन बना रहा हूँ, चावल की रोटी बना रहा हूँ। आंटी की एक फरमाइश आती है, उन्होंने कॉल करती हैं डेली, तो वो कह रही थी कि चावल की रोटी बनाना सिखाएं, और मैंने कहा था कि संडे को बनाना सिखाऊंगा। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है, चावल की रोटी, लेकिन इसके लिए आटा जो होता है वो थोड़ा मोटा वाला लिया जाता है, पाउडर फॉर्म में आता है वो वाला नहीं, ठीक है। चावल की रोटी बन रही है, मछली का सालन बन रहा है साथ, ये बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन है, ट्रेडिशनल सिंधी कॉम्बिनेशन है। सिंध में ये बहुत ज़्यादा इस तरह बनाई जाती है, चावल की रोटी और मछली का सालन, तो आज ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार रेसिपी कल 12 बजे रिपीट चलेगी, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होता है, और मेरा पेज है कुकिंग विद शेफ फैसल, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाती है। एनएक्स हमारे साथ है, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, मिक्सर आपके सामने यूज़ करता हूँ, मार्केट से ले सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन और बेकिंग ओवन भी दस्तियाब है। किचन में चलते हैं, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। फ़िश आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले लेंगे, ठीक है। फिश मच्छी तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी सां जेका बि तव्हांखे सुठी लॻे स्लाइस कटिंग कराए छॾियो, या हुनखे तव्हां सिंधी स्टाइल में कटिंग करायो जीअं तव्हांखे सुठी लॻे, ठीक है। फिश आपने जो भी हो आपको पसंद हो आप ले लें, स्लाइस में कटिंग करवा लें, या फ्लेक हैं तो उस तरह भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, हमें प्याज चाहिए होगा, प्याज का पेस्ट यूज़ होगा इसमें, ठीक है। सिंधी स्टाइल में तो प्याज काट के डालते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा चेंज करके इसको बना रहा हूँ, ठीक है। बसर जो पेस्ट हुई जो इनमें 1 कप, टमाटा 2 अदद पेस्ट ठहियल आहे, हिन में ॾही बि वेंदी, हिन में गिदामड़ी जो पेस्ट बि वेंदो, इसमें दही का बि इस्तेमालु होगा, इसमें इमली का पल्प बि थोरा सा जाएगा, इसमें टमाटर बि जाएगा, और इसके साथ प्याज, ठीक है। ये मज़ेदार रेसिपी है, डिफरेंट तरीक़े से इसको थोड़ा बनाएंगे, सालन बनेगा, ठीक है। इसके लिए हमने लेना है ऑयल 1/2 कप जितना। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे तेल, ठीक है। ऑयल असां केतिरो विझंदासीं, इनमें 1/2 कप ऑयल विझंदासीं, 1/2 कप ऑयल जाएगा, ठीक है। पूरा 1/2 कप आपने ऑयल डाला, ऑयल जब गर्म होगा तो इसमें हमने क्या करना है, प्याज का पेस्ट बना के डालना है, ठीक है। जूसर जग जो होता है ब्लेंडर, उसमें प्याज, एक बड़ा प्याज ले लें या 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें, इसको स्लाइस में कटिंग करके थोड़े से पानी के साथ इसका पेस्ट बना लें, ठीक है। 2 गंढ बसर खणंदो नंढियूं, या 1 वॾी खणंदो, जूसर जग जेको हूंदो हुन में जो पेस्ट ठाहे छॾिजो, ठीक आहे। अगरि नथो पेस्ट ठाहे नथा सघो त पोइ तव्हां बसर खे बारीक कटिंग करे इनमें भुञे बि सघो था, ठीक है। अगरि पेस्ट नहीं बना सकते तो प्याज को आप बारीक कटिंग करके भून भी सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल के इसको भून भी सकते हैं। यहाँ पर ऑयल जैसे 1/2 कप गर्म होगा तो हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे, और उसी के साथ डाल देंगे मेथी दाना, ठीक है। मेथी दाना हूंदा आहिनि जेके मेथी जा बिज हूंदा आहिनि, इहो विझंदासीं इनमें 1/2 चांहि जो चमचो, मेथी दाना 1/2 टीस्पून डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें जैसे ही ऑयल गर्म होगा प्याज का पेस्ट डाल देंगे, ये 1 कप है प्याज का पेस्ट, ठीक है। 1 कप बसर जो पेस्ट विझंदासीं, और इसको अच्छी तरह भूनेंगे, ठीक है। बसर जो पेस्ट विधो, 1/2 कप ऑयल विधो, बसर जो पेस्ट विझी इनके भुञंदासीं, उनखां पोइ इनमें 1/2 अदरक जो पेस्ट विंदो, मसाला विंदा, टमाटर जो पेस्ट विंदो, ॾही विंदी ऐं सभु शयूं विझी पोइ फिश में विझंदासीं, ठीक है। चावल की रोटी के लिए आपने चावल का आटा जो है वो लेना है, एक बिल्कुल बारीक आता है जैसे नॉर्मल गंदम के आटे की तरह, एक थोड़ा मोटा आता है पिसावा, ठीक है, उससे चावल की रोटी बनती है, वो ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। या अगर आप घर में मशीन में ग्राइंड कर सकते हैं ग्राइंडर में, तो चावल का आटा आप ग्राइंडर से भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्राइंडर में चला के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, मोटा सा थोड़ा पाउडर फॉर्म होगा, लेकिन पाउडर फॉर्म जैसे सफ़ेद आटा होता है ना, फाइन आटा, उस तरह का दरदरा सा होता है,
इनके चंगी तरह भुनेंदा से। और ये फरमाइश पे था तो इसलिए मैं बना रहा हूँ चावल की रोटी और उसके साथ फ़िश का सालन। अब इंशाल्लाह फ़िश की रेसिपी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, और सॉरी सर्दियाँ कह रहा हूँ, गर्मियाँ ख़त्म होने को हैं और फ़िश का अब सीज़न आ रहा है। तो फ़िश के कोफ्ते, फ्राई फ़िश की कुछ रेसिपीज़ हैं, फ़िश के सालन है, बेक भी करेंगे ओवन में फ़िश। तो इस तरह की मछली की रेसिपीज़ पहले भी मैंने लास्ट ईयर भी एक वीक किया था फ़िश का, तो या तो पूरा वीक कर लेंगे वो मैं बता दूँगा, या फिर बीच बीच में फ़िश के रेसिपीज़ बनाते रहेंगे। ठीक है, इसको अच्छा सा गोल्डन फ्राई करना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, जब हम, मैं हमेशा कहता हूँ जब हम प्याज को ब्राउन कर रहे होते हैं, फ्राई कर रहे होते हैं, उसमें हम नमक डाल रहे होते हैं। अभी रख लें, इसमें हम नमक डाल रहे होते हैं। ठीक है, नमक डालने से क्या होता है कि अच्छा सा ब्राउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लूण विधो, ब चुटकी लूण विधो, इनके हल्को सो गाढ़ो कंदासीं, जॾहिं बसर असांजो गाढ़ो थियण लॻंदो पोइ हिन में अछो ज़ीरो विझंदासीं, हिकु चांहि जो चमचो। ठीक है, इसमें एक चांहि का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भी जाएगा, लेकिन पहले मेथी दाना डाला, फिर प्याज डाला, फिर इसमें हम ज़ीरा डालेंगे जब प्याज का कलर चेंज होने लगेगा। अच्छी तरह इसमें स्पून चलाते रहें, बहुत ब्राउन नहीं करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। आजकल प्याज में पानी आ रहा है, ठीक है, प्याज आजकल ऐसे गीला गीला सा प्याज आ रहा है, खुश प्याज बहुत कम आ रहा है, तो इसको थोड़ा पकने में टाइम लेता है। वरना वो जब प्याज आप लेते हैं तो प्याज लेके छत पे या टेरेस में या गैलरी में डाल दिया करें हवा में, धूप में, ताकि वो अच्छा सा खुश्क हो जाए। ऐसे किचन में पड़े पड़े भी वो नरम हो जाता है। ज़्यादा प्याज अगर ले रहे हैं, जैसे 5 किलो है या 4 किलो पड़ा हुआ है, तो उसको ऐसी जगह रखें जहाँ हवा लगे, खुश्क रहे और उसको धूप भी लगती रहे हल्की हल्की। ठीक है, उससे फिर प्याज आपका अच्छा रहेगा और काफ़ी अच्छा। और अगर वैसे ही रख देंगे तो प्याज में कोंपलें निकल आती हैं, टहनियाँ निकल आती हैं। ठीक है, बसर तब हमेशा खुश्क जगह पर सुखाइंदा कयो, या अड़ी जगह पर रखंदा कयो, या छित पर रखंदा कयो, या पदर में, टेरिस में, त उनका छा थींदो आहे कि बसर खुश्क रहंदो आहे। अंदर रखण सां छा थींदो, हुन में उहो गंड निकिरी वेंदियूं आहिनि, नयो साओ बसर निकिरणु शुरू थी वेंदो आहे। अभी और ब्राउन होगा, अब हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे जब इसका कलर चेंज होने लगेगा। एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। ठीक है, एक चाय जो चमचो अच्छो ज़ीरो विझी छॾियो, मेथी दाणो हली वियो, ऐं हाणे हिनखे थोरो भुञंदासीं। अॻिते बार इसको और भुनेंगे अच्छी तरह, फिर इसमें हम मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, हाणे हिन में विझंदासीं अदरक थूम जो पेस्ट। हूअं मच्छी में थूम जो पेस्ट वेंदो आहे, लेकिन हिन में मां अदरक थूम जो पेस्ट विझां पियो। ठीक है, वैसे फ़िश के ज़्यादातर रेसिपीज़ में लहसुन का इस्तेमालु ज़्यादा होता है, अदरक का नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन इस सालन में हम अदरक लहसुन दोनों डालेंगे। अच्छी तरह इसको भूनेंगे, अब प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। अदरक थूम कुटे विझिजो या पेस्ट विझी छो 1 खाने का चम्मच। ठीक है, 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे अदरक लहसुन, फिर इसको भूनें। कसूरी मेथी, खुश्क मेथी ये ज़रूर रखा करें मछली में, इससे ज़ायका और खुशबू बहुत अच्छी आती है मछली की। ठीक है, और इसको फिर भुनेंगे अच्छी तरह, चंगी तरह इनके भुनंदा से, ताकि इनजो कलर चेंज शुरू थी वञे। ठीक है, जिन्होंने अभी टीवी खोला हो, लाइट का इशू होता है, तो हम बना रहे हैं मछली का सालन और चावल की रोटी। इसके लिए हमने लेना है 1/2 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जब गर्म होगा उसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे, 1 कप जितना प्याज का पेस्ट डाला, उसको गोल्डन फ्राई करेंगे, हल्का गोल्डन कलर होगा। साथ ही मेथी दाना डाल दीजिएगा 8-10 दाने। ठीक है, जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, सफ़ेद ज़ीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच डाला, और इसको भूनते रहेंगे। जब बिल्कुल इसमें से खुशबू आने लगेगी अदरक लहसुन की, प्याज का कलर ब्राउनिश टोन में आने लगेगा, फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। 1/2 कप ऑयल खयो, उनमें असां विधो मेथी दाणा 8 खां 10 दाणा, बसर जो पेस्ट 1 कप विधो, उनखे भुञंदासीं। बसर जो पेस्ट जॾहिं हिन में फ्राई थींदो, कलर चेंज थियणु लॻंदो, पोइ अछो ज़ीरो विझंदासीं। अछो ज़ीरो विझण खां पोइ हिन जे अंदरि अदरक थूम जो पेस्ट हली वियो 1 खाने जो चमचो। अब इसका कलर गोल्डन कलर में, ब्राउन में आने लगा है। ठीक है, थोड़ा और इसको फ्राई करेंगे, फिर इसमें हम मसाले डालना शुरू करेंगे। जो कि यूँ हैं कि पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च
एक चाय का चम्मच पीठल गाढ़ा में छिक चाय जो चमचो, कुटेल गाढ़ा में छिक चाय जो चमचो, हेड विझंदासीं हिकु चाय जो चमचो, धाणा पीठल टे चाय जा चमच भरे विझंदासीं, तीन चाय के चम्मच धनिया पाउडर, ठीक है, उसके बाद एक चाय का चम्मच नमक, फिर मसाला भूनेंगे पानी का छींटा देके ताकि मसाला जले ना, हल्का सा 2 से 3 टेबलस्पून पानी जाएगा इसमें, ठीक है। गाढ़ा मिर्च पीठल 1 चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, हेड 1 चाय जो चमचो, धाणा पीठल 3 चाय जा चमचा, लूण 1 चाय जो चमचो, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 3 चाय के चम्मच या 1 टेबल स्पून से ज़्यादा थोड़ा डाल दीजिएगा, ठीक है, और नमक 1 चाय का चम्मच। इसको अच्छी तरह, टाइम कितना हमारे पास ब्रेक में, 3 मिनट, ठीक है। ये मसालो चंगी तरह फ्राई थो इनके अंदर ताकि कच्चोपन मसाले जो खत्म थी वाले, मसाला भूना अच्छी तरह। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, ठीक है, 2 अदद बड़े टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, बहुत बड़े नहीं हो, अगर बहुत बड़ा टमाटर तो 1 करके डालें। अब इस टमाटर के पेस्ट को इसको भूनेंगे, टमाटर जो पेस्ट डाली हो, मछली बिल्कुल आखिर में डलती है जब मसाले भुन जाते हैं, क्योंकि मछली की कुकिंग टाइम 20 मिनट में तैयार हो जाती है, तो इसलिए पहले मछली नहीं डालेंगे वरना टूट जाएगी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक शॉर्ट ब्रेक वटूँ था, जिस टाइम मैं टमाटर जो पेस्ट विधो थोड़ी देर इनके भुन जाती वटूँ था, एक शॉर्ट ब्रेक ब्रेक का पूछे कंटिन्यू करना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठही पई मच्छी जी भाॼी ठाहियूं पिया, हुन सां गॾु चांवरनि जी मानी ठाहियूं पिया, ठीक है। फिश का सालन बन रहा और चावल की रोटी बन रही, जिसके लिए सारे मसाले भूनने के बाद हमने इसमें टमाटर का पेस्ट डाला और इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि टमाटर का जो पेस्ट है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह भूनने, ठीक है। इस तरह का कलर आना चाहिए टमाटर का पेस्ट डालने के बाद, बड़ा अच्छा इसका कलर आ रहा है। इसको मज़ीद भूनेंगे थोड़ी देर, चंगी तरह भुनंदासीं, ठीक है। टमाटा पचन दियो, टमाटो कच्चो ना रह जी वने, ठीक है। टमाटर का कच्चापन होता है फिर वो क्या होता है, सालन के ऊपर एक अजीब सा तैर के आ रहे होते हैं टमाटर, तो टमाटर का पेस्ट को भी अच्छा सा भुनना है ताकि वो जो पानी अपना छोड़ता है ना वो पानी इसका ड्राई हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। मैंने कवर कर दिया 2 मिनट के लिए, अच्छा सा ये पक जाएगा हल्की आँच पर थोड़ा करके, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प, कितना जाएगा, 2 खाने के चम्मच। इससे थोड़ी खटास आती है, सिंधी जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उसमें इमली का पल्प यूज़ होता है, आप अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक है, इमली के पेस्ट से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच दही, दही के फेटे था छूँ, दही जडे भी इस्तेमाल कंदा सालन में बोड़ में भाजी में तो उनके चंगी तरह फेटे वठंदा थियो। सब मछली का सालन जब आप बनाते हैं उसमें जब दही का इस्तेमाल करें तो जो भी सालन हो, इवन के गोश्त सब्जी चिकन, बीट करके क्रीमी टेक्सचर में करके डालेंगे तो दाना दाना फटा फटा सा जैसे दाना आता है वो नहीं आएगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा दही। हाँ, इन मसाले के भुनंदासीं, अच्छी तरह। अब इसमें डालेंगे इमली का पल्प 2 खाने के चम्मच, ये ऑप्शनल है, जायका अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन इमली को पकाना है, ठीक है, इसमें पकेगी, 2 मिनट इसको भी चलाएं ताकि इमली का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, ऑयल में पक जाए और टेस्ट अच्छा आ जाए। गिदामड़ी जो पेस्ट विधो 2 खाने जा चमचा, इनके 2 मिंट पचाइंदो, कलर इन जो भाजी जो ॾिसो केतिरो सुठो अचे थो, इस तरह का कलर आना चाहिए सब्ज़ी का, ठीक है, सालन का कोरमे की तरह ऐसा कलर आएगा। इसको भूनते रहें, हल्की आंच पे कर रहा हूँ, तेज़ आंच पे नहीं वरना मसाला लगना शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें 3 खाने के चम्मच दही डालेंगे, ठीक है, 3 खाने के चम्मच दही चला गया, फिर इसको भूनेंगे हल्की आंच पे,
मछली का सालन बन रहा है, बहुत ही मज़े का होगा, बिल्कुल डिफरेंट आपको लगेगा कोरमे की तरह। एक होता है पतला सालन, ये मैं थोड़ा कोरमे की तरह बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छी तरह भूनेंगे, फिर इसको कवर करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए ताकि दही पक जाए अच्छी तरह, ठीक है। हल्की आंच पे फिर 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे ताकि दही हमारा पक जाए इसके अंदर। दही पकेगा तो दही का बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आएगा, ठीक है। दही पची वी 1 से 1.5 मिनट ताईं के पचाई दो उनका पोसा इन अंदर मच्छी विझंदासी कसूरी मेथी विंदी इन अंदर, ठीक है। कसूरी मेथी खुश्क मेथी होती है वो डालेंगे 1 चाय के चम्मच जितना हाथ से मसल के वो इसके अंदर हम डालेंगे। मैंने कवर किया हल्की आंच पे ताकि दही अच्छा सा पक जाए, दही का कच्चापन भी ख़त्म करना है, ठीक है। 1 मिनट इसको कवर करने के बाद फिर इसको भूनें, 2 मिनट फिर भूनना है ताकि हमने दही डाली थी इमली डाली थी वो पक जाए अच्छी से इसके लिए। फिर समझो टेक्सचर के लिए ज़बरदस्त अच्छे थे, कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आ रहा है, बिल्कुल कोरमे की तरह, दही का बिल्कुल वही जैसे कोरमे में हम दही डालते हैं, लेकिन यहाँ पे टमाटर का एडिशन किया है क्योंकि फिश है, ठीक है। तो उस हिसाब से अच्छी तरह भूनने के बाद जब बिल्कुल ऑयल आप देखेंगे ऊपर आने लगा है, हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी खुश्क मेथी 1 चाय का चम्मच। खुश्क मेथी मिलती है, कसूरी मेथी इसको मसल के आप डालेंगे 1 चाय का चम्मच, ठीक है। भर के 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी चली गई और उसके बाद फिर इसको भूनेंगे। मेथी से इसमें जायका आएगा, खुशबू आएगी, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, ठीक है। मेथी विधी इनके भुनियन दो हमें डाटो सुठो जायको इंदो, मच्छी जे सालन में मेथी ज़रूर भुजना क्यों, मछली में मेथी ज़रूर डाला करें तो फ्लेवर बहुत अच्छा था। अब हम क्या करेंगे, इसमें मछली डालना शुरू करेंगे। मछली हमारे पास 1/2 किलो से 3 पाव जितनी है, ठीक है, 1/2 किलो से 3 पाव जितनी है। लेकिन पानी जो मछली का वॉश हुआ होता है, पानी प्याले में फिर भी निकल रहा होता है, वो पानी इसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मछली बिल्कुल ड्राई थी तो मैंने इसलिए डायरेक्ट डाल दिए, आप लोग एक एक पीस आराम से उठा उठा कर डालेंगे। और इसको हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है फिश को, हल्के हाथों से मछली को मिक्स कर लो। हल्के हल्के हाथ से घुमाते जाएं ताकि मछली के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पानी का छींटा देंगे थोड़ा सा, 3 से 4 टेबल स्पून, 1/2 कप से भी कम पानी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि मसाला जो है वो थोड़ा मछली के अंदर हो जाएगा, वरना मसाला बिल्कुल जलना शुरू हो जाएगा। मछली का जो टेस्ट है वो मसाले में आ जाएगा, मसाले का जो टेस्ट है वो मछली में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको कवर करेंगे सिर्फ 1 मिनट, 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि मछली को ज़्यादा नहीं पकाते हैं, ठीक है। 1 से 2 मिनट लाइ इनके कवर कंदासी, 1/2 कप का थोड़ो घट पानी विधो, उनका छा थी पानी का कि मच्छी में जायको अची वो, मच्छी के अंदर मसाले जो जायको अची वो, मसाले के अंदर मच्छी जो जायको अची वो, ठीक है। पानी इसलिए डाला है थोड़ा सा, 4 से 6 खाने के चम्मच, उससे क्या होगा हल्की आंच पे आपने छोड़ना है तो फिश के अंदर मछली के अंदर मसाले का टेस्ट आ जाएगा और मसाले में मछली का टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको 1 से 1.5 मिनट इस तरह छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और फिर इसमें पानी हसबे ज़रूरत जितना हमने डालना है। कोरमे की तरह बना रहा हूँ थोड़ा गाढ़ा करके, ठीक है। अगर आप पतला करना चाहें, मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। आप अगर इसमें ज़्यादा करना चाहती हैं 1 गिलास 1.5 गिलास तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, शोरबा बनाने के लिए। मच्छी जी भाजी में 2 कप पानी विझा पे हो, तां अगर वधिक विझण चाहो 1 गिलास 1.5 गिलास जीअं तव्हांखे सुठो लॻे 2 गिलास त उन हिसाब सां शोरबो पतलो भी भाॼी जो करे सघो था। फिर एक दफ़ा घुमाएंगे हल्के हाथ से और फिश को पलटा दें, हल्के हाथ से बिल्कुल मछली के पीसेस को पलटा दें ताकि दोनों तरफ से इसका मसाला अच्छा से इसके अंदर रख जाए। अच्छा, मछली के साथ इसमें सर भी डालना है, ठीक है। मछली जब हम कटवाते हैं तो उसका सर फिकवा देते हैं, मछली के सालन के लिए मछली का सर होता है वो साफ़ करवा के वो ज़रूर डाला करें, क्योंकि मछली का जो सालन होता है उसमें जायका सर से आता है इसके, ठीक है। सर से ज़रूर इसमें सर ही डाला करें, उससे जायका आता है, उसके बगैर फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। भले आप ना खाएं फेंक दें, लेकिन उसमें सिर्फ जस्ट उसका जूस जो निकल के आता है उसका फ्लेवर उसी में आता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मछली का सर निकलवा देते हैं, फेंक देते हैं। सालन तलने के लिए नहीं, सिर्फ सालन के लिए कह रहा हूँ, तो आप ये करवाया करें, मछली का सर साफ़ करवा के आप उसमें सालन बनवाया करें, ठीक है। अब इसमें 1-1.5 मिनट के बाद हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। फिर एक दफ़ा हल्के हाथ से घुमाएं और अब हम इसमें डालेंगे पानी।
दो कप। ठीक है, दो कप पानी डाल दिया मैंने, डेढ़ से दो कप, ज़्यादा नहीं। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, फैला के आधे चाय जो चमचों गरम मसाला पाउडर फैला के डाल दिया। ठीक है, हरी मिर्चें साबित बारीक वाली या मोटी वाली जो आपके पास अवेलेबल हैं वो इसमें डाल देंगे, 5 से 6 अदद। मेरे पास बारीक हैं, मोटी वाली हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। हरी मिर्चें डाली, इसको कवर करेंगे और कवर करके इसको 15 मिनट तक आपने पकने देना है हल्की आंच पे। उसके बाद हमारी ये रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 15 मिनट ताई इनके पचन दिन तो हल्की बाहे थे एको असांजी रेसिपी कंप्लीट थी दी माई शाम हटाई छा हम सब असा चावरन जी मानी ठाइंदा सी। सावा धाणा आखिर में इनमें विंदा। ठीक है, हरा धनिया हम आखिर में डालेंगे। बहुत ईजी और बहुत ही मज़ेदार मछली का सालन बनाना सिखाया, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा और कोशिश करें चावल की रोटी के साथ खाएँ या चावल के साथ भी खाएँगे तो बहुत ही मज़े का लगता है मछली का सालन। ठीक है, ठीक है, इनका चावरन जो अटो ठाईंदी मतलब चावरन जी मानी जो अटो कि वो तो तक खबर होंगी गोठन में क्या ठाई। हाँ ठीक है, अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जब तक मछली का सालन हमारा बन रहा है इसको 15 मिनट तक आपने इसी तरह छोड़ देना, ये पकता रहेगा। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया डाल के इसको डिश आउट करेंगे और कोई भी किस्म की फ़िश आप यूज़ करते हैं जो आपको पसंद हो। अब हम जा रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आके रोटी बनाते हैं चावल की। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते हुन खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका रेसिपी ठहे पई मच्छी जी भाॼी ठहे पई हुन सां गॾु चांवरनि जी मानी। ठीक है, मछली का सालन बना। अब चावल की रोटी के लिए हमें आटे की कोई क्वांटिटी नहीं होती, जितना आपने बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 कप चावल का आटा। अच्छा, ये चावल का आटा आपको दिखा दूँ कि ये दानेदार है, देखें ये दानेदार है, जैसे फाइन आटा होता है उस तरह का होता है। ये दिखा जो ये दानेदार है, आप हाथ में लेंगे आपको अंदाज़ा हो जाए इसकी रोटी अच्छी बनती है। बिल्कुल देखें गिर रहा हाथ पे, वो जो पाउडर फॉर्म मैदे की तरह होता है उससे नहीं बनाना है। ठीक है, चावल का आटा ले लिया, 2 कप से 2.5 कप ले लें। नमक इसमें जाएगा हसबे ज़रूरत, हाफ टी स्पून से थोड़ा कम, आधे चाय के चमचे का घट लून हसबे ज़रूरत। ठीक है, इनमें थोड़ा थोड़ा पानी विझी इनके चिल्ले वांगर ठाईंदासीं। ठीक है, एक बनती है ट्रेडिशनल जो कटोरी के ज़रिए वो पेड़ा बना के करते हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा पानी के साथ जैसे चिल्ला बनता है ये ज़्यादा ईजी तरीका है, आप इस तरह बनाएं। ठीक है, पानी डालें और इसको अच्छा सा बहुत गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, पतला नहीं बनाना है। ठीक है, जैसे पेन केक के लिए पेस्ट बनाते हैं वैसा बनेगा। उसको मिक्स करें, फिर इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, ठीक है, गाढ़ा पेस्ट बनाना है जैसे हम पेनकेक का बनाते हैं, घाटो पेस्ट ठाहिणो आहे जीअं पेनकेक जो ठाहींदा आहिनि। हे ॾिसो एतिरो हुजणु खपे, इनखां पतलो बि न हुजे, इनखां वधीक घाटो बि न हुजे। ठीक है, कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए गाढ़ी के, और तवा जो होगा वो आपको बिल्कुल गर्म लेना है फुल। और तवा कौन सा, नॉन स्टिक पे नहीं बनेगी चावल की रोटी, जो लोहे का तवा होता है ब्लैक वाला जो घर में यूज़ होता है उस पर अच्छी बनती, चिपकती नहीं, वरना नॉन स्टिक पे ख़राब हो जाएगी। इसको देखें इतना गाढ़ा होना चाहिए कि एक ही धार में गिर रहा है। ठीक है, इतना घाटो हो जाए कि एकड़ी तार में गिरे पे, ऐसा इस तरह गिर रहा है। ठीक है, अब चूल्हा तेज़ करेंगे, चूल्हा अच्छा तेज़ होना चाहिए तवा। देखें बहुत गर्म होना चाहिए तवा, अच्छा गर्म हो गया। अब ये एक कटोरी वाला इस तरह स्पून होना तो उससे ज़्यादा इजी बनेगा आपका। ठीक है, ये आपने डाला इस पर, इसको इस तरह फैला दें, थोड़ा और डालें और इसको छोड़ देना, ये थोड़ी देर तक पकती रहेगी। ठीक है, फौरन फौरन नहीं उतारना अपने इसको, हाथ सेट कर सको तो हाथ गीला करके आप इसको
तवे पे हाथ ना चिपके, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने, इसको फैला दें ठीक है, हाथ से सेट करें, तवे पे हाथ नहीं लगना चाहिए ये ख्याल करना है आपने, वरना स्किन बर्न हो जाएगी। अब इसको पकने दें, तेज़ आंच पे इसको पकने दें, फिर हम इसको हटाएंगे स्पैचुला से ठीक है। कफगीर होती है जो टिफनी होती है घर में, उससे आप हटाएंगे, इसके किनारे सेट कर दें, पानी लगा लगा के आप इसको सेट करेंगे ठीक है। हाँ इनके पचन दींदो, ॿ टे मिंट हुन खां पोइ हिनखे हटाईंदासीं चमचे सां, सीधो वारो चमचो हुजणु खपे। चाहें तो फिर आप इसको हल्का सा घी भी या ऑयल भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल इसको लगाएंगे बाद में जब आप देखेंगे एक तरफ से पक गई, इस तरह हल्का सा 1 टीस्पून ऑयल, बग़ैर ऑयल के भी बनती है, ऑयल के साथ भी बनती है, घी लगा लें ऑयल लगा लें। इसको उठा के देखेंगे, ये खुद ही जगह छोड़ेगी अपनी, अभी नहीं, अभी इसमें टाइम है ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता जगह छोड़ना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ये पंहिंजी जगह छॾंदी। हुनखे पचण ॾियो, एक तरफ से पकेगी, तेज़ आंच पे पकती है चावल की रोटी, हमेशा हल्की आंच पे नहीं बनती ठीक है। और चूल्हे को तवे को बिल्कुल सेंटर में रखें ठीक है, कुछ भी नहीं किया, 2 कप आटा गोल्डन, फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाते जाएं जितना आपको चाहिए ठीक है। इसमें 2 रोटियां 3 रोटियां बन जाएंगी 2 कप में, थोड़ा सा नमक डाला हसबे से हो तो पानी डाल के गाढ़ा सा इसका पेस्ट बना लिया, उसके बाद आप इसको मोटे तवे पे डालेंगे, पतले वाले तवे पे नहीं डालेंगे, जो लोहे का तवा होता है ना जिससे हम रोटी बनाते हैं, नॉन स्टिक पे नहीं कीजिएगा, कभी भी नहीं बनेगी। देखें आहिस्ता आहिस्ता हटती जाएगी, अच्छा पतली भी बनती है मोटी भी बनती है, मैंने अभी एक मोटी बना दी, अब इसके बाद एक पतली की कोशिश करते हैं ठीक है। आप बिल्कुल पतली करके बना सकते हैं, मैंने थोड़ी मोटी बना दी थी, चूल्हा अब थोड़ा कम करूँगा, शुरू में बहुत सही था परफेक्ट, ताकि रोटी जगह छोड़ दें। तो अब हम जा रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आके रोटी बनाते हैं चावल की। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठही पए, मच्छी जी भाॼी ठाहियूं पिया, हुन सां गॾु चांवरनि जी मानी ठाहियूं पिया ठीक है। अच्छा इस रोटी को अच्छी तरह आपने प्रेस करना है, फिर इसको पलट देना ठीक है। हाणे इनखे पलटाईंदासीं, ये देखें पलट दिया, पलटने के बाद इसको फिर प्रेस करें, आँच हल्की रखें ठीक है, इस तरह करके आँच हल्की रखनी है, चिल्ले की तरह बनाइए ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, आटा गूंद के और उसका पेड़ा बना के नरम उसको रख के, फिर कटोरी होती है वो जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, कटोरी गीली कर करके उसको लगाया जाता है ठीक है। ये हमने नॉर्मल तरीके से बनाई है इजी वे में। ये हमारी हो गई चावल की रोटी तैयार, मेरी से चावल जी मानी तैयार थी भाई। अब हम क्या करते हैं, जो सालन हमारा बना हुआ है उसमें हरा धनिया डालेंगे और इसे डिश आउट कर देंगे। कितना टाइम रिजी हुआ साठ, टाइम बताए जो, हाँ टाइम कितना रिजी हुआ, ठीक है। ये हो गया सालन हमारा तैयार, परफेक्ट बना, भाजी तैयार थी भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, देखें ज़बरदस्त हमारा सालन बना ये, और इसे भी डिश आउट करते हैं। अच्छा फ़िश के जब स्लाइसेस निकालते हैं तो बहुत एहतियात से निकाला करें, टूट जाता है सालन ठीक है,
सालन में जो फ़िश होती है वो टूट जाती है, तो उसको बहुत एहतियात से पीसेस को निकाला करें। और इसके बाद इसका शोरबा, मछली का सालन चावल की रोटी से बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप इसको बनाएं, फिर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, ठीक है। जो कि रेसिपी सुभाणे बारे वगैरह रिपीट हलंदो, तव्हां पंहिंजे हिसाब सां ठाहींदा हूंदा मच्छी जो भाॼी, त हर को ठाहे थो पंहिंजे हिसाब सां। थोरो मां चेंज करे ठाहियो आहे, ॾही जो बि इस्तेमालु कयो आहे, टमाटनि जो बि इस्तेमालु कयो आहे, ऐं गिदामड़ी जो पेस्ट बि आहे, ठीकु है। इसको मैंने थोड़ा चेंज करके बनाया है, इसमें दही का भी इस्तेमाल किया हुआ है, इमली का भी इस्तेमाल किया हुआ है और टमाटर का भी किया हुआ है। बहुत से लोग सिर्फ दही का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि इमली का पल्प भी डालते हैं, और डिफरेंट तरीके होते हैं इस्तेमाल करने के। हरी मिर्च काट के इसके ऊपर, और हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया फाइन चॉप करके। सावा धाणा कटिंग करे विझियो, हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्च रखते हैं। हरी मिर्च, कच्ची हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है फिश के सालन के साथ, ठीक है। सावा मिर्च कच्चा ॾाढा ज़बरदस्त लॻंदा आहिनि मच्छी जी भाॼी सां गॾु। कल ये रिपीट चलेगा तो आप लोग रिपीट में देख लीजिएगा, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो, ठीक है। ये हमारी हो गई ट्रेडिशनल रेसिपी, मछली का सालन और उसके साथ चावल की रोटी। दोनों चीज़ें बहुत ईजी हैं। मकई की रोटी थोड़ी डिफरेंट बनती है, मछली की चावल की रोटी थोड़ी डिफरेंट बनती है, ठीक है। कल 12 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा पेज है कुकिंग विद शेफ ऐसा, उसको लाइक करें, शेयर करें। वहाँ पे जो भी रेसिपी पूछनी हो, कुछ भी आपने कोई बात पूछनी हो, कोई मैसेज करना हो, तो आप इनबॉक्स में कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक नई रेसिपीज़ के साथ मुलाकात होगी, जिसमें आप लोग की फरमाइशें भी होंगी, अपनी भी कुछ रेसिपीज़ होंगी। फिर सर्दियों की भी आमद आमद है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों के हिसाब से खाने शुरू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सुभाणे 12 वगे रिपीट हलंदो, कुकिंग विद शेफ ऐसा मुंहिंजो पेज आहे, उते रेसिपी अपलोड थींदी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते, सब्सक्राइब कयो, शेयर कयो। मुंहिंजो पेज आहे कुकिंग विद शेफ ऐसा, हुनखे लाइक कयो, शेयर कयो, इनबॉक्स में मैसेजेस करे सघो था। का बि रेसिपी ॾिसणी हुजे, फोटूज़ जे फोल्डर में वञी हुते क्लिक कयो, काफ़ी सारी 2000 खां मथे रेसिपीज़ अपलोड आहिनि, तव्हां ॾिसी सघो था। इनशाला मथे हफ़्ते नई रेसिपीज़ सां गॾु मुलाकात थींदी, जेको तव्हांजी पंहिंजी फरमाइशूं बि रहिजी वियूं आहिनि, मुंहिंजी पंहिंजी बि रेसिपीज़ आहिनि। सियारो बि अचे पियो, मच्छी जी बि काफ़ी सारी रेसिपीज़ स्टार्ट कंदासीं। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, दुआउनि में यादि रखिजो। इनशाला मथे हफ़्ते मुलाक़ात थींदी नई रेसिपी सां गॾु। तेसिताईं अलाह हाफ़िज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।